हरि कृष्ण ओके हरे कृष्णा प्रभु जी माताजीस आपको सुन रहा है मेरा साउंड आप लोगों को uh, यस yes, प्रभु जी क्लियरली सुनाई दे रहा है श्योर थैंक यू हरि कृष्ण थैंक यू वेरी मच प्रोफेस माताजीस आप लोगों का स्वागत है आज का इस शाम का एक क्लास में तो so, शुरू करेंगे हम जय राधा माधव सिंह जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी गिरिवर गिरीवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनदन ब्रजजनरजन यशोदनदन ब्रजजनरजन यमुनातिरवन चारि यमुनातिरवन जय माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरीवरधारी जय प्रभु पदा जय पदा जय पदा जय पदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम रम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लड्डु गोपा जय बालमुकुन्द जय लड्डु गोपाल जय बालमुकुन्द जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरिताय गौरनताय सौर निताय जय निताई निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय टैगोर हरे मन दे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायशभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवी ओम ज्ञान मांद ज्ञानांजन श्लाख्य चक्षुन्मितम श्रीगुरव नम श्रीचैतमोषं स्थापित भूतले स्वयं रूपक मह्यम दधा सुपदाक वंदेहम श्रीगुरोतपदकमल श्रीगुर वैष्णवां श्रीरूपंसागर जात सहगण रघुनातामित तम सजीव साद्वैतम सवदूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यमं हे राधा कृष्णपाद सहगणलिता श्रीवशा काे कृष्णकुणा सिंधो धीनवंतु जगत्पते गोपेष गोपिकाधाका नमस्तान्जन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिए वांचाकूभयश कृपा सिंधुव पतिताभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनंद्री भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे प्रवेश मम प्रसुक्ता संजीववये नाम कन्या च हस्तचरण तो नमो भगवते प्रशायत तो हरे कृष्णा प्रभु सबका स्वागत है आज का इस कार्यक्रम आज का जो शीर्षक है हमें लोगों को भक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कभी हतोत्साहित न करें। प्रोत्साहन की जरूरत है और प्रोत्साहन ही कृष्ण भावनामृत है इस संदर्भ में भागवतम से एक श्लोक मैंने लिया है थर्ड कैंटो नवा चैप्टर उन्तीसवा श्लोक थ्री नाइन ट्वेंटी नाइन श्री भगवानुवाच माँ वेद तंद्री सर्ग उद्यम आव अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्गोद्यमम् आवह तन्मयापादितं ह्यग्रे जन्मां प्रार्थयते भवान् हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णकृष्णा हरे 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 राम हरे रामा राम रामा हरे हरे सी ये जो श्लोक है इसका ट्रांसलेशन है तब भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने कहा हे ब्रह्मा हे वैदिक ज्ञान की गहराई न तो उदास हो और ना ही सृजन के निष्पादन के बारे में चिंतित हो तुम मुझसे जो भीख मांग रहे हो वह पहले ही दिया जा चुका है देखिए श्रीमद् भागवतम के पन्नों के माध्यम से विशेष रूप से तीसरा स्कंद नवा अध्याय में जो रचनात्मक ऊर्जा के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना के बाद हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अद्भुत तरीके से प्रार्थना प्रार्थना जो प्रार्थना किया था ब्रह्मा जी ने उनका जवाब देने शुरू करते हैं और हमें सिखा रहे हैं कि चिंता में रहने वाले लोगों से कैसे निपटना चाहिए कैसे निपटे ठीक है तो इस इस अध्याय से पहले ब्रह्मा जी ने 25 श्लोक प्रार्थना किए थे 25 श्लोक से प्रार्थना किए थे उस 25 प्रार्थनाओं के बाद भगवान ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जी जो है वो तक जाते हैं और अवसाद भी व्यक्त करते हैं कि क्योंकि बिना किसी गलती के इस विशाल अभिव्यक्ति का निर्माण निस्संदेह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है साथ ही उनकी विनम्रता उनकी प्रार्थनाओं में चमक रही है जो भगवान की दया पर उनकी निर्भरता से भरी होती है और इससे प्रसन्न होकर भगवान अद्भुत रूप से उत्तर देते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहला सोच समझकर जवाब दे सबसे पहला पॉइंट है सोच समझकर जवाब दे श्रीमद भागवतम के श्लोक तीसरा स्कंद नवा अध्याय सत्ताईस और अट्ठाईस श्लोक इसमें भगवान श्री कृष्ण विचारशील शब्दों के साथ उत्तर देते हैं वो कहते हैं क्योंकि भगवान ने देखा कि ब्रह्मा विभिन्न ग्रह प्रणालियों की योजना और निर्माण के बारे में बहुत चिंतित थे और विनाशकारी जल को देखकर उदास हो गए कि सार चारों ओर जल था ना पानी था जब वो पैदा हुए थे वे ब्रह्मा के इरादे के को समझ सकते थे और इस प्रकार उन्होंने उत्पन्न होने वाले सभी भ्रम को दूर करते हुए गहरे विचारशील शब्दों में बात की तो इस श्लोक में अह शब्द का अर्थ है गहन चिंतन ब्रह्मा जी सृजन के लिए चिंतित थे और उनकी चिंता को समझते हुए भगवान ने उन्हें जवाब देते हुए विचारशील शब्दों को इस्तेमाल किया तो हमारा स्वभाव भी होना चाहिए कि अगर कोई हमारे पास चिंता के साथ आता है तो हमें भी जवाब देने से पहले गहराई से विचार करना चाहिए लेकिन क्या होता है लेकिन हम दूसरों से बिल्कुल भी बात करना या सुनना है नहीं चाहते हैं हम बस उन्हें दार्शनिक बयान देते हैं और उन्हें सहन करने के लिए कहते हैं और यह हम हम में सबसे बड़ा दोष है इन श्लोकों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसे हमारे जो जो तो कैरेक्टर है जो तो बिहेवियर है उसे हम ठीक करना करने की आवश्यकता है हमारे मन में जो कुछ भी आता है उसे केवल बो, बोलने के बजाय हमें दूसरों की भावनाओं के बारे में विचारशील होना चाहिए और हमारे शास्त्रों द्वारा सुझा सुझाए गए एक ट्रिपल फिल्टर बोलते हैं ट्रिपल फिल्टर जो को लागू करना चाहिए तो ट्रिपल फिल्टर क्या है हम देखेंगे सच्चा शुद्ध शुभ और मनभावन और फिर दूसरों से बात करना चाहिए भागवतम में ट्वेल्थ कैंटो ट्वेल्थ चैप्टर फोर्टी नाइन्थ वर्ष उसमें है कहा गया है जिसके इंग्लिश में हम टैप बोलते हैं टी -ए पी, ट्रुथफुलनेस ऑथियसनेस एंड पायस चलिए हम देखते हैं ऐसे शब्द जो भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का वर्णन नहीं करते हैं बल्कि अस्थाई मामलों से निपटता निपटते हैं वे केवल झूठे और बेकार हैं। केवल वे शब्द जो सर्वोच्च भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं वास्तव में सच्चे शुभ और पवित्र हैं। सच्चे शुभ और पवित्र ट्रुथ ट्रुथफुल ऑस्पिशियस एंड पायस तो टी एपी इंग्लिश में हो जाते हैं ना तो देखेंगे फर, truthful का मतलब सत्यम सच केवल भगवान की लीलाओं और उनकी चर्चाएं सत्य परम त्रिसत्यम इस दुनिया में बाकी सब कुछ असत्यता है इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हम केवल कृष्ण के बारे में बात करें कृष्ण की सेवा के लिए और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दूसरा पॉइंट है हैं ना, मंगलम शुभ मंगलम प्रभु की स्तुति करने वाले शब्द शुभता लाते हैं मंगलम मंगले प्यो भी हरे नाम केवलम केवल भगवान उस स्थान पर सदा वास करते हैं जहां महान आत्माएं उनके पवित्र नामों को जाप बड़ी भक्ति के साथ करते हैं और तीसरा पॉइंट है पुण्य पवित्र पयस पुण्य श्रवण कीर्तन है तो श्रीमद् भागवतम श्लोक बारह कैंटो 12 चैप्टर अठा अड़तालीसवा श्लोक सूत गोस्वामी कहते हैं जब लोग भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की ठीक से महिमा करते हैं या उनकी शक्ति के बारे में सुनते हैं तो भगवान व्यक्तिगत रूप से उनके दिलों में प्रवेश करते हैं और दुर्भाग्य के हर निशान को दूर करते हैं जैसे कि सूर्य अंधकार को दूर करता है या जैसे तेज हवा बादलों को दूर भगाती है सो ये तो टैप के बारे में हमने सुना ठीक है तो भगवान जो जवाब दे रहे हैं ना उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी के श्लोक के बाद प्रार्थनाओं के बाद सबसे पहले था सोच समझ कर जवाब दे ये ट्रिपल फिल्टर के साथ जिस चीज से कर रहे हैं ठीक है सोच समझ कर तो दूसरा है धैर्यपूर्वक सुनना हियरिंग पेशेंटली धैर्यपूर्वक सुनना जवाब देने से पहले प्रभु ने प्रार्थना के 25 छंदों को धैर्यपूर्वक सुना उन्होंने बीच में नहीं रोका ब्रह्मा जी को पूरे 25 श्लोक जो ब्रह्मा जी बोले उस सबको सुने धैर्य पूर्वक सुन रहे थे भगवान हर चीज के निर्माता है और उन्होंने ब्रह्मा को प्रार्थना करने के लिए बुद्धि भी दी थी शब्द भीतर से प्रभु द्वारा निर्देशित होते हैं सब कुछ भगवान द्वारा किया जाता है और वह यह भी जानते हैं कि ब्रह्मा क्या पढ़, पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि वे पूरी तरह से जागरूक है अभिज्ञान है दूसरी ओर हम भगवान के हाथ की कटपुतली है गलत सोचते हैं कि हम सब हम सब के नियंत्रक हैं हम कंट्रोलर नहीं इसलिए हमारे पास किसी से सुनने का धैर्य नहीं है हम गर्व से सोचते हैं मैं किसी ऐसी व्यक्ति की भी बात क्यों सुनूं जिसे कोई ज्ञान ही नहीं है केवल श्रीमद भागवतम के, के पाठ से कोई मूल्य मूल्य नहीं जुड़ता हमें भागवतम के माध्यम से सबक सीखना है और अपने दैनिक जीवन में लागू करना है अन्यथा सिर्फ नाम और प्रसिद्धि के लिए किया नहीं जाना चाहिए मिले अगर ऐसे करते हैं तो सिर्फ नाम और प्रसिद्धि के लिए करते हैं और तीसरा पॉइंट जो है तो कृष्ण बताते हैं हमें दूसरों की चिंता दूर करें हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान पाठ पढ़ा रहे हैं कि कैसे किसी की चिंता का उत्तर अच्छी तरह से दिया जाए वो इसी श्लोक में जो हम पढ़े थे ना वेद गर्भ घास तंद्रीम भगवान द्वारा प्रयुक्त पहला वाक्यांश में वेद गर्भ घास तंद्रीम उदास मत हो उदास मत हो अगर कोई आपको कहे ना कुछ कहते हैं हम कुछ बोलते हैं हमारी कोई परेशानी बताते हैं अगर सिर्फ उदास मत होइए अगर ये शब्द भी कहें संतुष्ट हो हो सकते हैं उदास मत हो तो भगवान कहते हैं उदास मत हो हे वैदिक ज्ञान की गहराई यहां ना का अर्थ है नहीं और मां का अर्थ है डबल ना तो भगवान फिर जोर दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी उदास ना हो जब भी लोग समस्या लेकर हमारे पास आते हैं तो हम पर दुख सुखी हो जाते हैं हम आंतरिक रूप से खुश हो जाते हैं हमें उस जीव के लिए वास्तविक चिंता या करुणा नहीं है हम सोचते हैं अच्छी अच्छी बात है आप दुखी हैं बहुत अच्छी हम अंदर से खुश कुछ, कुछ नहीं है बाहर से कोशिश कोशिश करते हैं तो आंतरिक रूप से हम कहते हैं वह तो अधिक योग्य वो ऐसा होना ही चाहिए मेरे बात नहीं सुन रहा था इसलिए ऐसे होना है क्योंकि वह मेरी बात नहीं सुन रहे हैं साथ ही प्रभु की अभिव्यक्ति की अद्भुत है वह ब्रह्मा जी को वेद के रूप में संबोधित करते हैं आप वैदिक ज्ञान की गहराई है और जो कुछ भी आप मांग रहे हैं वह आपको पहले से ही प्रदान किया गया है भगवान ब्रह्मा की वैदिक ज्ञान की गहराई के लिए सराहना करते हैं और इस प्रकार उन्हें सृष्टि को क्रियान्वित करने के मामले में प्रोत्साहित करते हैं इंकरेज करते हैं हमारा स्वभाव है हर किसी में दोष ढूंढना और उन्हें हतोत्साहित करना डिस्करेज करना जैसे कि हमारे प्रिय महाराज महावृष्णुष्ण महाराज कहते हैं प्रोत्साहन कृष्ण भावनामृत है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एंकरेजमेंट मतलब एंकरेजमेंट करेंगे इज कृष्णा अब चौथा पॉइंट जो है जो भगवान जो उत्तर में हमें कैसे उत्तर जाना चाहिए कैसे कहते हैं वो कहते हैं दूसरे के कारण दिए गए दुख को सहना टॉलरेट द मिजरी कॉज बाई अदर्स भौतिक संसार की प्रकृति के कारण एक दुख होना तय है दुख होना तो तय है जिसे अधिभौतिक दुख कहा जाता है किसी अन्य जीव के कारण होने वाला दुख यह दुख अपरिहार्य है जैसे कि प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से अपनी प्रार्थना में पुष्टि की है कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है खाने को दौड़ता है ना तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भौतिक दुनिया में कोई जीव हम हमें शब्दों और बातों से खा जाएगा और इसलिए हमें अपनी भक्ति सेवा में निराश नहीं होना चाहिए हमें के, हम केवल उस जीव के लिए उपेक्षा दया और प्रार्थना कर सकते हैं जो बाहरी ऊर्जा से बंधे हुए हैं बस हमारी भक्ति सेवा जारी रखें हम गुरुदेव से, से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि मुझे दया और शक्ति प्रदान करें ताकि मैं भगवान से इन सब एक सबक सीख सकूं और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर सकूं भागवतम तो हम थर्ड कैंटू नाइन्थ चैप्टर थर्टीएथ तीसवा श्लोक में परपट में प्रभात कहते हैं उसे सौंपे गए जिम्मेदार कार्य को करने में लगे एक व्यक्ति विशेष पर भगवान की दया कल्पना से परे है लेकिन हमारी तपस्या और भक्ति सेवा करने में लगन के कारण उनकी कृपा प्राप्त होती है ब्रह्मा को ग्रह प्रणालियों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था भगवान ने उसे निर्देश दिया कि जब वह ध्यान करेंगे तो उसे आसानी से पता चल जाएगा कि ग्रह प्रणालियों को कहा और कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए निर्देश भीतर से आने थे और उस कार्य में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं थी बुद्धियोग के ऐसे निर्देश सीधे भगवान द्वारा भीतर से दिए जाते हैं जैसे कि भगवदगीता टेन पॉइंट में पुष्टि की गई है सीड वर्ष बुद्धि योगम महाराज ने एक लेक्चर में एक वक्त को कहा था कृष्ण भावनामर्त में कभी भी ऊब नहीं जाना चाहिए नेवर गेट अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस यह निर्देश वास्तव में कितना मूल्यवान है हम पहले तो बहुत उत्सुकता से आते हैं फिर धीरे धीरे रिचुअल हो जाता है फिर हम उब जाते हैं कुछ क्योंकि कुछ दिख दिख नहीं रहा है ना खुशी नहीं मिल रही है जो पहले मिल तो मिल रहा था मतलब तो उत्साह से कर रहे थे सब कुछ तो यह, यह जो निर्देश महाराज ने दिया था बहुत ही मूल्यवान है हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी दिन कृष्ण हमारी परीक्षा लेंगे हो सकता है कि हमें लगे कि पूरी दुनिया बिखर रही है क्योंकि हमें हमारी सेवा पसंद नहीं है या भक्तों के साथ हमारे परिवार के साथ हमारे कार्यस्थल आदि के साथ असहमति के कारण इतनी सारी चीजों हो सकती है जो धीरे धीरे हमारी भक्ति सेवा का सेवा को मार देगा अगर हम बहुत सावधान नहीं रहेंगे तो लेकिन अगर हम ईमानदारी से याद रखें यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को इस तरह डालें ताकि हम कभी भी कृष्ण भावना से उब न उबन जाए भले ही हमें इस कौन से या भक्तों के साथ हमारे परिवार या का काम की स्थिति में कठिनाई हो तो हम बहुत मजबूत हो जाते हैं जब माया हम हमला करने आता है वास्तव में हम ही अपनी वर्तमान स्थिति के लिए दोषी हैं हम उंगली नहीं उठा सकते और अन्य भक्तों को दोष नहीं दे सकते हमें यह या या याद रखना होगा कि जैसे जस्ट लाइक ब्लेड ऑफ ग्रास कहते हैं ना ब्लेड ऑफ ग्रास घास की ब्लेड जो है तो टॉप है उसे और एक पेड़ से ज्यादा सहिष्णु होना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो प्रहलाद महाराज की तरह पिता के इतने विरोध के बाद भी वे कभी नहीं थके ऊब भी नहीं गए फिर भी वो कृष्ण भावना में व्रत में थे मैं अपने बारे में कहता तुम तो मेरे अपने आध्यात्मिक जीवन की देखभाल करने की एकमात्र जिम्मेदारी मेरी है हम सबके अपने आप इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है चाहे मेरे साथ या मेरे आसपास कुछ भी हो आध्यात्मिक आद्याद्मि, जीवन की देखभाल करने की एकमात्र जिम्मेदारी मेरी है बहुत ही अद्भुत परपट में कहते हैं भागवतम पहला कैंटो फर्स्ट कैंटो पंद्रहवा श्लोक चैप्टर अध्याय पचासवा श्लोक वन फिफ्टीन फिफ्टी फाइव जीरो कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा हवाई जहाज उड़ाते समय कोई अन्य विमानों की देखभाल नहीं कर सकता प्रत्येक को अपने विमान की देखभाल करनी होती है और यदि कोई खतरा है तो कोई अन्य विमान उस स्थिति में दूसरे की मदद नहीं कर सकता है इसी तरह जीवन के अंत में जब किसी को बैक टू होम बैक टू गॉडे गोरु घर जा, जाना है भगवान के वापस पा, वापस जाना है हर किसी को दूसरे की मदद के बिना अपनी देखभाल करनी है हालांकि अंतरिक्ष में उड़ान भरने से पहले जमीन पर मदद की पेशकश की जाती है ये सब जानते हैं इसी तरह आध्यात्मिक गुरु पिता माता रिश्तेदार पति और अन्य सभी अपने जीवन काल में मदद कर सकते हैं लेकिन समुद्र पार करते समय इस जीवन पार करते समय व्यक्ति को अपना ख्याल रखना अपने आप का ख्याल रखना होगा और पूर्व में प्राप्त पूर्व में जो प्राप्त हो निर्देश का उपयोग करना होगा जब भगवान ब्रह्मा अपने सृजन के कार्य के साथ आगे बढ़ने के लिए बेहद परेशान थे उन्होंने तपस्या की और तपस्या की थी कितने साल हजारों साल भगवान से प्रार्थना की और अंत में जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो जो श्लोक अभी सुना शुरुआत में सुना था माघास अपने आप को बार बार याद दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भक्ति में ईमानदारी की कमी के लिए किसी की ओर इशारा नहीं कर सकते हैं और न ही हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसे निराश या ऊब नहीं जाना चाहिए हमें हमेशा अपनी सेवा और चेतना में उत्साह रह, उत्साहित रहना चाहिए और प्रयास हमेशा करना चाहिए भले ही हमारे आसपास की दुनिया हमारे साथ ठीक व्यवहार कर रही हो या नहीं कर रही हो यू शुड बी फोकस्ड इन डिवोशनल सर्विस हाल ही में हमारे सामने एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी आई जिसने हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाया कथा कुछ इस प्रकार है कथा का शीर्षक है शैतान का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण शैतान का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया जाने वाला उपकरण यह विज्ञापित किया गया था कि शैतान अपने औजारों को बिक्री के लिए रखने जा रहा था बिक्री की तिथि पर उपकरण सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए थे प्रत्येक उपकरण को उसके बिक्री के मूल्य के साथ चिन्हित किया गया था वे बहुत धोखेबाज उपकरण थे क्या क्या उपकरण थे घृणा ईर्ष्या छल झूठ अभिमान आदि बाकी हिस्सों से अलग रखा गया एक हानि रहित दिखने वाला उपकरण था जो कि बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया था और इसकी कीमत बहुत अधिक थी इस टूल का नाम क्या है खरीदारी में से एक ने इसकी ओर इश्छा करते हुए पूछा उसने जवाब दिया वह उदासी और निराशा है शैतान ने शैता ने उत्तर दिया आपने इसकी कीमत इतनी अधिक क्यों रखी है क्योंकि यह मेरे लिए तो जो शैतान ने जवाब दिया है क्योंकि यह मेरे लिए अन्य सभी की तुलना में सबसे अधिक उपयोगी है मैं खुलकर लोगों के दिलों में प्रवेश कर सकता हूं जब मैं अपने अन्य उपकरणों के साथ उनके करीब नहीं पहुंच सकता एक बार जब मैं अंदर आ जाता हूं तो मैं उन्हें वर्क वर्क करवा सकता हूं जो मैं चुनता हूं यह बुरी तरह से पहना जाता है क्योंकि मैं इसे लगभग सभी पर इस्तेमाल करता हूं क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मेरा है कौन सी थी वो उदासी निराशा डिप्रेशन एक बार एक प्रभु महाराज से बात कर रहे थे जब वे अपने जीवन में एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति में थे महाराज ने बस एक बात कही पहले से ही तुम एक कठिनाई में हो उदास होकर और अधिक कठिनाई न जोड़े मुझसे वादा करो कि तुम इसे अपने दिल में महसूस नहीं करो महाराज हमेशा भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा को बोले गए ये प्रसिद्ध श्लोक बहुत पसंद था 3, 9, इसको उदरत करते जब ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे कि क्या करना है तो भगवान कृष्ण ने उन्हें कभी उदास या निराश न होने के लिए कहा था कभी उदास मत हो निराश मत हो तो विचार यह है कि यह दुनिया बारी बारी से हम पर सुख और संकट दोनों डालने वाली है इस दुनिया में कोई भी हमेशा हमेशा खुश या हमेशा दुखी नहीं रह सकता इसलिए एक पल में हम मुश्किल में पड़ सकते हैं लेकिन समय के साथ चीजें बदल सकती है देखे, देखे, देखे सॉरी भले ही ये नहीं बदलता है एक चीज जो हमें हमेशा के लिए खुश रख सकती है वह है पवित्र नामों का जाप और गीता और भागवतों का अध्ययन जो कुछ हमारे लिए नियत है वो निश्चित रूप से होगा और हमारे उदास होने से भाग्य बदलने वाला नहीं है बल्कि यह हमें स्थिति को संभालने के लिए और अतिक कठिन बना देगा एक बार एक प्रभु ने हमारे प्रिय महाराज से महा महाराज से किसी ऐसे कार्य के करने के संबंध में कुछ संदेह के बारे में पूछा जिसमें उन्हें कोई पिछला अनुभव भी नहीं था तो महाराज ने उनसे कहा कि भागवत हरे कृष्णा तो महाराज ने समझाया कि दुनिया में कोई भी कार्य भगवान ब्रह्मा को सौंपे गए कार्य से बड़ा नहीं हो सकता समझे दुनिया में कोई काम ब्रह्मा जी को जो सौंपा गया है उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता हालांकि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान की गहराई का प्रतीक माना जाता है लेकिन उन्हें जो क्रिएशन सृजन का कोई पिछला अनुभव नहीं था और उस समय कुछ प्रशिक्षण लेने के लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं थी नो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स राइट इससे बेचैन हो गया अपने अधिक वैदिक ज्ञान के कारण वे एक भक्त की तरह सोचने लगा स्वामी so भक्त की तरह सोचना है भक्त so हमेशा सफल क्यों होते हैं क्योंकि दो चीजों से नंबर एक वे हमेशा स्वतंत्र रूप से कुछ भी

हैं किसी को फूला नहीं जाना चाहिए फूलना नहीं चाहिए मतलब पफड़प क्योंकि उसे कुछ कार्य कार्य का सौंपा गया है अगर किसी अगर महाराज ने किसी ने आपको कोई कार्य सेवा करने के लिए सौंपा है आपको ये प्राउड होना नहीं चाहिए कि मुझे दिया है ये काम कोई भी व्यक्ति जिसे भगवान या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा एंगेज किया गया है पहले से ही वो धन्य है अगर आपको दिया गया आप धन्य हो बट प्राउड नहीं होना चाहिए किसी को स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को करने में हम कितने असमर्थ है।, तो है हम असमर्थ है अपने आप से असमर्थ है बिकॉज कृष्णा की वजह जो हमें ये शक्ति देते हैं हमें समर्थ बनाते हैं जो कार्य करने के लिए तो यह शब्द तथ्य है कि हम अपने दैनिक कार्यों में असफल हो जाते हैं या गलत गलती करते हैं क्योंकि कार्य कितना भी छोटा हो भगवान को याद करने में हमारी विपलता के कारण इसी वजह से हो जाता होता है हमें इस बात का एहसास नहीं होता है कि जो काम हमें सौंपा गया है उसे पूरा करने की हमारे पास क्षमता नहीं है हमें लगता है कि हम बेहतर हैं और हम बिना किसी की मदद के कुछ कुछ कर पाएंगे सच तो यह है कि हमारे हृदय में नित्य वास करने वाले परमात्मा की सहायता के बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते तो बड़े बड़े कार्य करने की तो बात ही क्या है हमें हमेशा यह महसूस करना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल गुरु और कृष्णा की शुद्ध दया और आशीर्वाद से प्रोत्साहन के शब्द सभी बद्ध जीवों के लिए एक निरंतर आवश्यकता है encouragement, encouragement. बहुत बार हम भौतिक परिस्थितियों के कारण उदास और निराश महसूस करते हैं जो हमें दिन ब दिन जला रहे हैं महाराज ने हमेशा कहा, कहा करते थे भक्ति सेवा में प्रोत्साहित हो साहसी बने वैसे भी आपकी समस्याएं आपको नीचे खींच रही है क्यों निराश होकर अपनी पहले से मौजूद समस्या में एक और समस्या जोड़ दे बहुत ही सरल बात कही रही महाराज हम देख सकते हैं कि कैसे इस श्लोक भागवतम से किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे कि हमारे महाराज ने कहा कि बात यह है कि हम लोगों को भक्त बनने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए कभी हतोत्साहित न करें कृपया इन चीजों को अध्ययन करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें और खुद को और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें हर जगह प्रोत्साहन की जरूरत है और प्रोत्साहन ही कृष्ण चेतना है यही आज का हम लोग तो शीखर जीवों को प्रोत्साहित करने और उनकी सराहना करने का यह गुण हमारे लिए आत्मसात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी ने भक्ति सेवा की प्रक्रिया को मुख्य रूप से अपने सबसे प्रिय गुरु महाराज के प्रोत्साहन और प्रशंसा के कारण ही अपनाया है हम पूरी तरह से विधाओं के अधीन होने के कारण किसी प्रशंसा के पात्र नहीं है वास्तव वास्तव में अस्वीकृत के पात्र हैं लेकिन इतने व्यापक दिमाग वाले महाराज उन्होंने न केवल हमें स्वीकार किया बल्कि हमारी सराहना भी की श्रीमद भागवतम श्लोक चौथा अध्याय बाईसवा चैप्टर चौथा कैंटो सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड चैप्टर श्लोक सोलहवा सिक्सटीन भगवान को आत्मभावन कहा गया है आत्म भावना है। जो हमेशा जीवों को ऊपर उठाने की इच्छा रखते हैं विशेष रूप से कलयुग में कोई भी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है ऐसा बहुत दुर्लभ ऐसा आदमी ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है कलयुग में हमारी प्रवृत्ति यह है कि हम केवल उनकी सराहना करते हैं जो हमारी सराहना कर रहे हैं अगर कोई हमसे गलती कर रहा है तो हम उसे अनदेखे कर देते हैं या उसकी निंदा करते हैं कभी कभी जब जब कुछ भक्त भक्ति सेवा से भटक जाते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और उनकी कठिनाइयों को देखना देखने की प्रयास करनी चाहिए और उन्हें भक्ति बक, सेवा में प्रोत्साहित करना चाहिए हमारी प्रवृत्ति यह है कि यदि कोई भक्त कार्यक्रमों के लिए नहीं आता है तो हम केवल यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भक्त को भक्ति सेवा में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह माया में है यह हम सोच ले सोच लेते हैं हमारी प्रवृत्ति उन्हें नीचे रखने की है वे पहले से ही भक्त संघ छोड़ने की दहलीज पर है और हमारे व्यवहार से हम स्थिति को और खराब कर देते हैं तो गुरु महाराज ने कहा कि हम यह कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भक्त माया में है हम नहीं जानते हो सकता है कि वह घर पर भक्ति सेवा कर रहा हो हमें भक्ति सेवा में आने वाली सभी आत्माओं को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करना चाहिए न केवल यह सुनिश्चित करके उनकी आध्यात्मिक भलाई लेकिन उनकी भौतिक भलाई भी दोनों जब तक उन्हें भौतिक रूप से अच्छी तरह से नहीं रखा जाता है वे आध्यात्मिक उत्थान में सुसंगत नहीं होंगे आध्यात्मिक गुरु और शिला प्रौपात की अखारण दया से हम सभी को भक्ति सेवा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस सेवा को ठीक से कैसे प्रस्तुत करें तो so, जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में उलझन में थे भगवान कृष्ण बहुत अच्छी तरह से इस श्लोक में उन्तीस तीस इकतीस बत्तीस और तैतीस इन पांच श्लोक में उन्होंने थ्री नाइन ट्वेंटी नाइन टू थर्टी थ्री में उन्होंने निर्देश और प्रोत्साहित करते हैं करते हैं यह निर्देश हम सभी के लिए सार्वभौमिक है और आइए हम इन निर्देशों पर ध्यान करने का प्रयास करें ताकि हम कर सके भक्ति सेवा की सुधार सेवा करने में हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा उदासी और चिंता है जब हम इस मूड में होंगे तो हम एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा नहीं जुटा पाएंगे जब हम अपने प्रयासों की विफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उदासी और चिंता बढ़ जाती है इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा आश्वासन दिया हे ब्रह्मा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ का रहे थे आप मुझसे जो भी मांग रहे हो पहले से ही प्रदान किया जा चुका है तो यदि गुरु और कृष्ण हमें कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वे निश्चित रूप से सेवा करने की क्षमता के साथ हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे इसलिए हमें केवल उन पर पूरे विश्वास के साथ सेवा करने के लिए उत्साहपूर्वक कदम उठाने की जरूरत है आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में सेवा करने का उत्साह और कृष्ण के बारे में सुनने और उनकी सेवा करने की उत्सुकता पहला कदम है जिससे हमारा अवसाद और चिंता दूर हो जाएगी यह तथ्य की है कि हमें भक्ति सेवा की प्रक्रिया के संपर्क में रहने का यह एक अवसर मिला है स्वयं भगवान की एक महान दया है जब हम आध्यात्मिक गुरु के नियामक सिद्धांतों और निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का प्रयास करते हैं तो हम भगवान की दया के प्राप्तकर्ता बनने का योग्य हो जाते हैं तो जैसे ही हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं वह हमें भीतर से निर्देश करते हैं तो तीसरा श्लोक थ्री नाइन थर्टी में कहते हैं हे hey ब्रह्मा तपस्या और ध्यान में स्थित हो जाओ और मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करें इन कार्यों से आप अपने दिल के भीतर से सब कुछ समझने में सक्षम होंगे सच्ची तपस्या बाहरी नहीं बल्कि अपने हृदय के भीतर आंतरिक रूप से भक्ति करना है उदाहरण के लिए नंबर एक चारों दीवारों के भीतर श्रीमद भगवत गीता और भागवतम का अकेले अध्ययन करना एक तपस्या है क्योंकि उस सेवा में किसी नाम प्रसिद्धि या मान्यता का कोई अवसर नहीं है दूसरा हम जो अध्ययन करते हैं उस पर चिंतन करना एक एक और तपस्या है आम तौर पर हम श्रीमद भागवतम के संदेश का प्रचार करने पर विचार करते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसका अनुसरण कर सके लेकिन क्या हम पहले खुद को उपदेश दे रहे हैं यह हमारे सामने एक सवाल है तीसरा भागवतम के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना एक और तपस्या है महाराज कहते हैं एक बार जब हम भागवतम को अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो हर कोई प्रसन्न होगा तब हमारे हृदय में भक्ति की वास्तविक अभिव्यक्ति आती है देखिए श्रीमद भागवतम श्लोक इक्कीस सौ बत्तीस में भगवान कृष्ण कहते हैं हे ब्रह्मा जब आप भक्ति सेवा में लीन होते हैं अपनी रचनात्मक गतिविधियों के दौरान आप मुझे अपने और अपने और पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे और आप देखेंगे कि आप स्वयं ब्रह्मांड और जीव सभी मुझ में हैं आप मुझे सभी जीवों में और साथ ही पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे जैसे लकड़ी में आग स्थित है केवल दिव्य दृष्टि की स्थिति में ही आप सक्षम होंगे हुंग, सभी प्रकार के ब्रह्मों से मुक्त होने के लिए जब हम किसी उद्देश्य से या बाहरी दिखावे के लिए भक्ति सेवा करते हैं तो हम दूसरे दूसरों में कृष्ण को देखने में विफल होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम अन्य जीवों को चोट पहुंचाते हैं और भ्रम में बर्बाद हो जाते हैं लेकिन जब हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक गुरु और सर्वोच्च भगवान की सेवा करने के लिए केंद्रित होता है और जब हम पूरी तरह से उस सेवा में लीन हो जाते हैं तो हम कृष्ण को हर किसी में और हर चीज में देख पाएंगे यह हमारी उत्सुकता और उत्साह को भक्ति सेवा में और अधिक आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेगा स्वरूप हमारे जीवन में भक्ति तो का प्रयोग स्वाभाविक हो जाएगा जब हमें हर जगह कृष्ण का हाथ दिखाई देगा और हम पूरी तरह से शांत हो जाएंगे एक बार जब हम ज्ञान और भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हम सभी प्रकार के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं और भागवतम थ्री नाइन थर्टी थ्री श्लोक में भगवान कहते हैं जब आप स्थूल और सूक्ष्म शरीर की अवधारणा से मुक्त होते हैं और जब आपकी इंद्रिया भौतिक प्रकृति के गुणों के सभी प्रभावों से मुक्त होती है तो आप मेरी संगति में अपने शब्द रूप का शब्द रूप को महसूस करेंगे उस समय तुम शब्द चेतना में स्थित होंगे जब तक हम लोगों को उनके शरीर और आधार पर भेदभाव करते रहेंगे और गुणों के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे लेकिन जब हम अपनी तुच्छ स्थिति सर्वोच्च भगवान की महानता और हर चीज और सभी में उनकी उपस्थिति को याद करते हैं तो हम ब्रह्म से मुक्त हो जाते हैं और उनके स्मरण मात्र से हम अपनी चेतना को शुद्ध करने में सक्षम होंगे जैसे कि कहा जाता है कि जब हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वह हमारी ओर दस कदम बढ़ाता है यदि हम भक्ति सेवा में संघर्ष के लिए प्रयास करते हैं तो भगवान स्वयं पहल करते हैं जैसे कि श्रीमद भागवतम श्लोक थर्ड तर्थ कैंटो थर्टीन चैप्टर उचास फोर्टी नाइन वर्ष में पुष्टि की गई है स्वयं विधाता परह परम जो पारलौकिक प्रेम सेवा में संलग्न है वह सर्वोच्च है स्वयं भगवान द्वारा सर्वोच्च सिद्ध अवस्था जो सभी के हृदय में विराजमान है इसलिए मैं सभी दयालु सबसे मतलब सबसे पहले गुरुदेव श्री प्रपात भगवान श्री कृष्ण के से प्रार्थना करता हूं कि मैं आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करने का और पूरे उत्साह के साथ सर्वोच्च भगवान की सेवा करने का ईमानदारी से प्रयास करूं शब्द तो से मैं आज आज का लेक्चर विराम करता हूं थैंक यू वेरी मच प्रोफेस माताजी रे कृष्ण grantor श्रीमद् भगवत गीता की जय जिनचा श्रीमद् भागवतम की जय तगो प्रेम हरि भगवानचा You, हरे कृष्ण हरे कृष्णा किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो प्लीज योर हैंड वी विल अडमिट यू एंड देन यू कैन क्वेश्चन हरे कृष्णा स्तुतिमती माता जी का प्रश्न है उनको अनम्यूट किया है जिसको तो हेलो हरे कृष्णा माता जी हां हरे हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा प्रश्न है जैसे हम लोग कभी ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि uh, जैसे कि मतलब uh, जैसे कि कभी हमारी चैंटिंग नहीं सही से हो पाती है मतलब जैसे कि आसपास का जो एनवायरमेंट है वो हमको मतलब ऑब्स्टेकल्स डालता है कि हम मतलब नहीं कर पाते हैं उतना उतना चैटिंग नहीं कर पाते हैं या भागवतन कंटिन्यू कर नहीं कर पाते या लो, मतलब जो आसपास के लोग हैं उनकी वजह से सही बात है वेरी नाइस क्वेश्चन बताइए थैंक यू ये जी ये बहुत ही कठिन मतलब आसान नहीं है लेकिन एक्चुअली जब हम प्रोग्राम में पहली बार आते हैं किसी ने आपको बुलाया बहुत उत्सुकता होते आते हैं राइट right? से ईगरनेस होते हैं प्रोग्राम आते हैं बहुत अच्छा लगता है हमें कथा सुनना चैंटिंग करना कीर्तन करना प्रसाद सबसे पहले सबसे बहुत ही तो प्रसाद बहुत अच्छा लगता है डिबोटी अच्छा अच्छे लगते हैं पर धीरे धीरे एक जैसे ऐसे बढ़ते जाते हैं पर धीरे धीरे हमें उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है और इंतुसिया जो पहले था वो नहीं होता है तो इसके बारे में महाराज ने हमें एक अच्छा उदाहरण दिया जैसे आप विमान में बैठते हैं ना तो शुरुआत में जब आप ऑफ से पहले बहुत स्पीड में जाता है है ना जब ऊपर उड़ने से पहले इसी तरह हमारे जब प्रोग्राम पहले आते हैं हमारा स्पीड बहुत तेज होता है हिन्तु पूरी एक बार जब उड़ान ऊपर चला जाता है तीस हजार फीट ऊपर चलते है बाद में हमें लगता है कि हवाई जहाज उड़, उड़ नहीं रहा है लगता है कि वो वहीं पर स्थित है लेकिन हमें मालूम होगा जब वो डेस्टिनेशन पहुंचेगा इसका मतलब है वो चल रहा था लेकिन हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है इसी तरह हम इंतुस में शुरू करते हैं लेकिन बाद में हमें लगता है कि वो कम एडवांस नहीं हो रहे हैं स्पिरिचुअली लाइफ में हमें सब कुछ मुश्किल आ रहे हैं कुछ मजा नहीं आ रहा है ये एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट कहते हैं स्पिरिचुअल इज नॉट एन प्रोग्राम आना नहीं है सो आपका प्रश्न ये है कि हमें चैंटिंग करते हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं डिफिकल्टीज होता है डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं है ना है यकीन है आपके यही प्रश्न है मतलब एक सबसे पहला बात है हम एक्सपेक्ट करके आते हैं प्रोग्राम में जब भी आते हैं मैं जो लोग प्रोग्राम में आते हैं कृष्ण में आते हैं कृष्ण कॉन्शियस में सबसे पहले एक तो या तो कुछ प्रश्न कुछ प्रॉब्लम होगा तो सो, सोचते हैं कि अब अगर हम आएंगे तो हमारा प्रॉब्लम इमीडिएटली सोल्व हो जाएगा कलयुग में सब हमको ट्वेंटी ट्वेंटी है ना सब जल्दी जल्दी होना चाहिए तो आते हैं तो प्रॉब्लम लेकिन ऐसा नहीं है प्रोग्राम अगर कृष्ण अगर स्पिरिचुअली हम प्रोग्राम से आते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम चार्टिंग करने शुरू कर दिया भगवत हम पढ़ रहे हैं भगवती किताब पढ़ रहे हैं सॉल्व हो जाएगा हम सब कुछ आराम से घर में भी सब लोग खुश हो जाएंगे नहीं बहुत मुश्किल है लेकिन एंकरेजमेंट भी जो हम आज के जो लेक्चर में था हम इंकरेजमेंट वी शुड इंकरेज पीपल डिस्करेज नहीं करना चाहिए एंड एक और पॉइंट था हमें कृष्ण भावना में से ऊब नहीं जाना चाहिए ये है ना जब धीरे धीरे हम रिचुअल बनते हैं तो हम टायर्ड हो जाए बेकार मजा नहीं आ रहा है ऐसे होते हैं देखिए प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे जैसे बारिश होता है जब बारिश होता है आप क्या करते हैं बाहर आने के लिए छाता ले जाते हैं ठीक है तो छाता जब ओपन करते हैं तो बारिश तो होता है लेकिन आपके पर आपके ऊपर नहीं पड़ता है क्योंकि आपका शेल्टर जो है वो छाता है तो इसी तरह जब हम भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित करते हैं वो हमारा चाहता है ये चैंटिंग जो कर रहे हैं ये हमारा चाहता है जो भागवतम पढ़ रहे हैं भगवदगीता कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज में आ रहे हैं ये हमारा चाहता है तो अगर कोई प्रॉब्लम भी, भी हो हम टॉर्डर कर सकते हैं हमें हमसे कोई ये नहीं होगा अगर फिर भी होता है चैंटिंग से इसका मतलब हमारी गलती है दूसरे की गलती नहीं है मतलब हमें और इम्प्रूव करना चाहिए हमारी चैंटिंग और इसके लिए मतलब यह नहीं कि सोलह माला एकदम से करें कॉन्सेंट्रेट करें जैसे हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं हर जगह अपॉइंटमेंट तो लेते हैं कभी आपने सोचा कि कृष्णा से भी अपॉइंटमेंट लें आधा घंटा अपॉइंटमेंट ले सुबह या शाम जो भी हो जब आप रोज सुबह मतलब जब आप उठते हैं एटलीस्ट आधा घंटा में भगवान से अपॉइंटमेंट आज अभी कोई मेरी डिस्टर्ब नहीं करा आज अपॉइंटमेंट जब जाते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना

दे पा, दे पाया। इसे दो माता जी, मैं इस बात okay. थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू मच हरे कृष्णा और कोई कुछ हरे कृष्ण किसी और को तो कोई प्रश्न है कमेंट है प्रभु जी प्लीज वेट फॉर वन मिनट मैं महाराज की समाधि की तरफ ही जा रहा हूँ तो हरे कृष्णा तो अब हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी के दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं और ये लेक्चर की पूर्णा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मैं मंदिर राजकोट के प्रमुख से प्रभु जी की तरफ से रामचंद्र का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण